अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों द्वारा 21 नवंबर को सांकेतिक विरोध प्रदर्शन के तहत काली पट्टी बांध कर विरोध दर्ज कराया गया। चिकित्सकों ने बताया कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारी को प्रबंधन व्यवस्था के लिए नियुक्त किया जा रहा है। इसके विरोध में पहले ही प्रदेश भर के शिक्षकों और चिकित्सकों ने अवगत करा दिया था। आपको बता दें कि रीवा सहित प्रदेश के सभी 13 मेडिकल कॉलेजों और उनके संबद्ध अस्पतालों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों द्वारा 21 नवंबर को काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया गया। इसकी अगली कड़ी में 22 नवंबर को सभी जगह कार्य बंद किया जाएगा। आइए दिखाते हैं विरोध प्रदर्शन और सुनाते हैं चिकित्सकों का क्या कहना है। कैबिनेट में कुछ ऐसा प्रस्ताव लाने जा रही है जिसमें प्रशासनिक स्तर के कर्मचारियों की नियुक्ति, अधिकारियों की नियुक्ति, कॉलेज के दैनिक देखरेख एवं प्रशासनिक कार्यों के लिए की जाएगी। सबसे पहली बात, सरकार को ऐसा निर्णय नहीं लाना चाहिए क्योंकि इसका कोई औचित्य ही नहीं है। हम लोग पिछले 50 वर्षों से, अब तो 60 वर्ष पूरे हो गए हैं, इस कॉलेज के हित के लिए, इस संस्था के हित के लिए और इस क्षेत्र के हित के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हर साल ओपीडी में नंबर्स बढ़ रहे हैं मरीज के, हर साल आईपीडी पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, सर्जरीज बढ़ रही हैं। इसके बाद पता नहीं उनके दिमाग में ऐसा क्यों ख्याल आ रहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों की यहाँ नियुक्ति की जाए। या तो वो कोई ऐसा चमत्कार करेंगे या उनने अपने विभाग में ऐसा कुछ चमत्कार कर रखा है जिसके कारण से ये निर्णय लिया जा रहा है। हम लोग की जो आज की मीटिंग है शांतिपूर्ण ढंग से सरकार को ये बताने के लिए है कि इस प्रकार का कोई निर्णय ना ले। अगर इस प्रकार का कोई निर्णय लिया जाता है तो हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आज काली पट्टी बांधकर विरोध किया जा रहा है। और आज काली पट्टी बांध के हमने इसका विरोध किया है। और एक चीज मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल चिकित्सक हैं, उनका हित हमारे लिए सर्वोपरि है। और हम ये नहीं चाहते कि हम किसी आंदोलन जिसमें हड़ताल या हॉस्पिटल की सेवाएं रुकें, हम इस तरह बिल्कुल नहीं चाहते। और हम ये चाहते हैं कि आंदोलन ना हो और सरकार इस तरह का निर्णय ना ले जिससे आम जनता प्रभावित ना हो। नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर पुष्पेन शुक्ला, सचिव मध्य प्रदेश MTA इकाई रीवा। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602888 5990 पर।